नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुश्र। आप देख रहे हैं News24 का राजस्थान चैनल। मोटर व्हीकल एक्ट के देश में लागू होने के साथ ही सोशल मीडिया से लेकर पब्लिक के बीच तरह तरह के विजन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक सुरक्षा के नियमों की पालना के लिए इस बार जोधपुर में जनता को जागरूक करने के लिए एक अलग तरीका इस्तेमाल किया गया है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आपको बताते हैं। गणपति महोत्सव के सजे पंडालों में इस बार गणेश भगवान का वाहक मूषक राज सीट बेल्ट लगाकर जीप की स्टेयरिंग पर बैठे हैं। खुली जीप में गणेश जी की सवारी को ले जाते हुए मूषक राज भक्तों को सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 11 सेक्टर स्थित होली चौक में भगवान गणेश की आमदकर प्रतिमा खुली जीप पर सवार है। वही गणेश के वाहन मूषक को भगवान गणेश को बैठाकर जीप चलाते हुए दिखाया गया है। ड्राइवर सीट पर बैठे मूषक राज ने सीट बेल्ट पहन रखा है। सीट बेल्ट लगाकर जीप चलाते हुए मूषक राज और पीछे विराजमान भगवान गणेश शहर वासियों को वाहन चलाते समय सुरक्षा की दृष्टि से सीट बेल्ट लगाने का मैसेज दे रहे हैं। सर, आपने ये प्रतिमा लगाई है, क्या सोचा था, किस तरीके से प्रतिमा लगाई? जो सबसे पहले दिमाग में ये आया था कि कुछ ऐसा करें, गजानन जी 10 दिन के लिए आते हैं, तो 10 दिन में आम जनता जो है भारत की अपने उनके बीच में कोई एक ऐसा मैसेज दें अपन लोग, जो वो नियमों का पालन कर ले। फिर हम लोगों ने ये एक होमवर्क किया, जब हमें पता लगा कि हेलमेट और सीट बेल्ट ये दो एक ऐसे मैसेज हैं कि जो जनरली आम जनता, भारत सरकार तो कब से कह रही है कि नियमों का पालन करो, पर आम जनता इन नियमों का पालन नहीं करती है। तब हम लोगों ने सोचा कि अगर भगवान इस रूप में आएगा तो हो सकता है कि आम जनता इन चीज़ों को माने। तब हम लोगों ने पहले लास्ट टाइम हम लोगों ने सीट बेल्ट हेलमेट का मैसेज दिया था कि जब भी आप दो पहिया वाहन चलाएं तो हेलमेट पहने। इस बार हम लोगों ने बोला जब आप चार पहिया वाहन चलाएं तो सीट बेल्ट पहने। सर, ये मूर्ति हम लोगों ने यहाँ पे जो यहीं पे लाइव विसर्जन होगा इस मूर्ति का, और इसमें से जो मिट्टी निकलेगी वो प्रसाद रूपी लोगों के घरों में बांटेंगे हम लोग। उसके बाद इसमें से जो घास निकलेगी उसको सुखा के गाय को खिलाएंगे, ताकि ये इको फ्रेंडली मूर्ति है। इसमें कलर भी बिल्कुल इको फ्रेंडली है, सारे के सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी, मूर्ति पूरी विसर्जित हो जाएगी, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, किसी नदी तालाब में नहीं जाएंगे, यहाँ पे रेन डांस द्वारा करेंगे। CHB 11 सेक्टर युवा समिति की ओर से स्थापित की गई इस प्रतिमा को लेकर शहर वासियों में गजब का क्रेज नजर आ रहा है। वे मूषक राज के पास वाली सीट पर बैठकर बकायदा सेफ्टी ड्राइविंग के मैसेज को जन जन तक पहुंचाने में भागीदार बन रहे हैं। गणपति महोत्सव के इस अलग अंदाज को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। ये मैसेज बहुत अच्छा है कि हेलमेट लगा के जाना, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं बहुत दूर दूर, इसलिए मैं उनको भी बोलती हूँ कि हेलमेट लगा के जाइए। मैं पहले नहीं लगाती थी, अब इस मैसेज के बाद मैंने भी हेलमेट लगाना कंटिन्यू चालू किया। जहाँ पे भी जाती हूँ हेलमेट पहन के ही जाती हूँ, और प्लीज़ जो भी जाए हेलमेट लगा के जाए। थैंक यू। गणेश जी का दर्शन करने आए हैं तो साक्षात भगवान गणेश जी भी मोदी जी को स्वीकृति दे रहे हैं कि ये हेलमेट और ये सीट बेल्ट उसको वो भी उचित मान रहे हैं, और अपने वाहन को भी उन्होंने लगवा के रखा है। और ऐसा ही हमारा कहना है, जो अपनी फैमिली से करे प्यार वो सीट बेल्ट से कैसे करे इनकार। बता दें, पिछले साल चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 11 सेक्टर पार्क में गणेश जी बुलेट पर बैठे नजर आए थे, जिन्होंने हेलमेट धारण किया हुआ था। वही इस साल भगवान गणेश जीप में पीछे विराजमान नजर आए हैं। गौरतलब है कि 1 सितंबर से पूरे देश में मोटर एक्ट लागू कर दिया गया है, लेकिन ऐसे भी कई राज्य हैं जहां पर इस एक्ट को लागू करने के लिए फिलहाल रोक लगा दी गई है। रोक लगाने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी है, जिन्होंने इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को मना कर दिया है। लेकिन इसके अतर ये तस्वीर दर्शाती है कि राजस्थान के लोग इस नए नियम से खुश भी है और इसे अमल भी करना चाहते हैं।